दोस्तों, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग माध्यम से क्विक मनी मेक करना चाहते हैं तो उस केस में आपको अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना पड़ता है। आप जितने ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं उतने ही आपके मनी मेक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपने मेरी आज की वीडियो के टाइटल को तो पढ़ा ही होगा, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से 30 मिनट के अंदर 30 SEO फ्रेंडली एफिलिएट ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। आपको सेम इसी तरीके से अपने एफिलिएट ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करना है और इन पोस्ट के माध्यम से आपको यहाँ पर अपनी बहुत सारी मैक्रोनिस वेबसाइट को स्टार्ट कर लेना है। अगर आप यहाँ पर अपनी मैक्रोनिस वेबसाइट को स्टार्ट करेंगे तो आपकी एक ना एक वेबसाइट रैंक करेगी। अगर आपकी एक भी मैक्रोनिस वेबसाइट रैंक कर चुकी है तो आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्राफिक आता है जिसके माध्यम से आप यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग के माध्यम से मनी मेक कर पाते। 230 मिनट में 30 पोस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कीवर्ड रिसर्च करना है एंड 30 पोस्ट आइडियाज को फाइंड कर लेना है। एंड दोस्तों, मैं आपके साथ अपना पर्सनल तरीका शेयर करने वाला हूँ जिसके माध्यम से मैं कीवर्ड रिसर्च करता हूँ और 30 पोस्ट आइडियाज को फाइंड कर लेता हूँ। तो मेरे तरीके को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एक नीश को सिलेक्ट कर लेना। एंड दोस्तों, आप किसी भी नीश के ऊपर वर्क कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर कीटो डाइट वेट लॉस की नीश का एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। तो सिंपली आपको गूगल के ऊपर आना है एंड यहाँ पर आपको सर्च के अंदर टाइप कर देना है कीटो डाइट वेट लॉस, देन सर्च इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इतने सारे रिजल्ट आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर सभी वेबसाइट के DAPA को चेक करना। एंड DAPA को चेक करने के लिए आप यहाँ पर इस एक्सटेंशन का यूज कर सकते हैं जिसका नाम है माउस बार। आपको सिंपली यहाँ पर माउस बार के एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना है एंड इसके अंदर आपको लॉग इन कर लेना। जैसे आप यहाँ पर इसके अंदर लॉग इन करेंगे तो सभी वेबसाइट के DAPA आपको यहाँ पर दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर सभी वेबसाइट के DAPA को देखना है एंड आपको यहाँ पर यह चेक करना है कि टॉप 20 के अंदर कम से कम एक ऐसी वेबसाइट हो जिसका DAPA से कम हो। जैसे कि मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो पहली वेबसाइट का डी यहाँ पर 93 है एंड दूसरी का 88 है, तीसरी का 88 है, 77, 79 एंड सभी वेबसाइट के हम यहाँ पर DAPA चेक करते हैं तो हमें यहाँ पर टॉप 20 के अंदर कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं मिलती है जिसका DAPA यहाँ पर 20 से कम है। तो हम इस कीवर्ड को यहाँ पर लेफ्ट कर देते। अब आपको यहाँ पर एक दूसरी एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है जिसका नाम है कीवर्ड सर्फर .ai। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको इसके अंदर लॉग इन करना है। जैसे आप इस एक्सटेंशन के अंदर लॉग इन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आएगा एंड यहाँ पर आपको इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग अन्य कीवर्ड्स के आइडियाज मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर कितने कीवर्ड्स के आइडियाज मिल चुके हैं। जैसे कि पहला कीवर्ड यहाँ पर क्या है, व्हाट इज कीटो। ओवरलैप इसके यहाँ पर 50% है और इसका यूनाइटेड स्टेट से वॉल्यूम आता है 49,500 का। तो यहाँ से हमें क्या करना है, हमें यहाँ से एक ऐसा कीवर्ड फाइंड करना है जिसके ऊपर ओवरलैप 50% से कम हो। जैसे कि इस कीवर्ड के ऊपर ओवरलैप 50% से कम है तो इस कीवर्ड को हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। सिंपली हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग हमारे सामने रिजल्ट्स आ जाते हैं। अगेन आपको यहाँ पर वही काम करना है। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर टॉप 20 की पोस्ट को एनालाइज करना है एंड यहाँ पर आपको उस पोस्ट को फाइंड करना है जिसका DAPA 20 से कम हो। जैसे कि हम यहाँ पर चेक करते हैं तो सभी वेबसाइट के DAPA यहाँ पर अधिक है। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर सभी कीवर्ड्स को चेक करना है और आपको इस प्रोसेस को तब तक अप्लाई करना है जब तक आपको टॉप 20 के अंदर एक ऐसी वेबसाइट ना मिल जाए जिसका DAPA 20 से कम हो। दोस्तों, काफी रिसर्च करने के बाद फाइनली हमें यहाँ पर एक ऐसा कीवर्ड मिला है जिसके ऊपर लो DAPA की वेबसाइट रैंक कर रही है। तो कीवर्ड यहाँ पर है फ्री 7 डे लेजी कीटो मील प्लान एंड यहाँ पर मैं वेबसाइट के DAPA भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि पहली वेबसाइट का डी यहाँ पर 64 एंड दूसरी वेबसाइट यहाँ पर पिंटरेस्ट की है जिसको हम यहाँ पर नेगलेक्ट कर देते हैं। तीसरी वेबसाइट का डी यहाँ पर 27 है, फोर्थ का डी यहाँ पर 53 है। उसी प्रकार से आप यहाँ पर सभी वेबसाइट के DAPA देख सकते हैं। जैसे कि इस वेबसाइट का डी यहाँ पर 27 है, 13th वेबसाइट का डी यहाँ पर 30 है। उसी प्रकार से सभी वेबसाइट के डी भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं एंड जो हमारे 21th वेबसाइट है उसका भी डी यहाँ पर 25 है। मीन्स इस कीवर्ड के ऊपर मैक्सिमम वेबसाइट का डी यहाँ पर 30 ब्लू है। पर मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूंगा कि आपको यहाँ पर नहीं रुकना। अगेन आपको यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च करना है, आपको यहाँ पर तब तक कीवर्ड रिसर्च करना है जब तक आपको यहाँ पर एक ऐसी वेबसाइट ना मिल जाए जिसका डी यहाँ पर बिलो 20 है
मैं तो आपको यहां पर यह कहूंगा कि आपको यहां पर तब तक कीवर्ड रिसर्च करना है जब तक आपको यहां पर एक ऐसी वेबसाइट नहीं मिल जाए जिसका डी यहां पर 8, 12 या 15। तब तक आप यहां पर काम करते रहे। जैसे ही आप यहां पर अपनी वेबसाइट को फाइंड कर ले, उसके बाद आपको यहां पर आना है और आपको अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहां पर आना है एंड यहां पर आपको आपका स्लस दिखाई दे रहा होगा, तो सिंपली आपको इसको बजाना है एंड यूआरएल के ऊपर आपको यहां पर क्लिक कर देना है। एंड यूआरएल के ऊपर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहां पर स्लैश को टाइप करना है एंड यहां पर आपको टाइप कर देना है साइट मैप डॉट एक्सएमएल, देन एंटर इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी पोस्ट के आइडियाज आ जाएंगे। अब आपको यहां पर सभी पोस्ट को कॉपी कर लेना है, तो सिंपली हम यहां पर जाते हैं एंड यहां से हम इसकी पोस्ट को कॉपी करना स्टार्ट करते हैं एंड इसको हम यहां तक कॉपी कर लेते हैं। जैसे कि इसको मैं यहां तक कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा ऊपर जाते हैं एंड इसको हम कर लेते हैं यहां तक कॉपी, यहां तक हमने इसे कॉपी कर लिया है। एंड कॉपी करने के बाद आपको जाना है चैट जीपीटी के ऊपर एंड यहां पर आपको प्रॉम्प्ट टाइप कर देना है। प्रॉम्प्ट आपको यहां पर टाइप करना है पर्स आउट द आर्टिकल सर्च, उसके बाद आपको यहां पर अपने सारे आर्टिकल्स के जितने भी यूआरएल है पेस्ट करना है, देन एंटर इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जितने भी आर्टिकल आपके यहाँ पर लिखे गए सभी के कीवर्ड्स आपके सामने आने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे कीवर्ड्स की लिस्ट आपके सामने आ रही है। इन्हीं से आइडिया लेकर आपको यहां पर अपनी पोस्ट को क्रिएट कर। तो गाइज यू कैन सी हमने यहां पर 30+ पोस्ट आइडियाज को फाइंड कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें यहां पर इन पोस्ट आइडियाज के अकॉर्डिंग अपने आर्टिकल्स को क्रिएट कर लेना। तो मैं आपके साथ कुछ बेहतरीन एआई टूल शेयर करने वाला हूं जिनके माध्यम से हम यहां पर 30 मिनट में 30 आर्टिकल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले टूल का नाम है कोरा चैटबॉट, दूसरे टूल का नाम है चैट जीपीटी, तीसरे टूल का नाम है गूगल बार्ड, चौथे टूल का नाम है बिंग डॉट एआई एंड पांचवें टूल का नाम है क्विक आर्टिकल वर्कफ्लो। इन पांचों टूल के माध्यम से आप यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर बहुत ही कम समय में मैक्सिमम आर्टिकल चाहिए तो आपको यहाँ पर इन टूल्स की डिफरेंट डिफरेंट विंडोज को ओपन कर लेना है एंड यू कैन मेक मोर आर्टिकल्स थ्रू इट। तो आर्टिकल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ से अपने पोस्ट आइडिया को कॉपी कर लेना है एंड कॉपी करने के बाद आपको आना है कोरा चैटबॉट के ऊपर एंड यहां पर आपको टाइप कर देना है राइट 1000 वर्ड्स ऑन, उसके बाद आपको यहां पर अपने कीवर्ड को पेस्ट करना है, देन एंटर इसको पर क्लिक कर देना। आपका आर्टिकल ऑटोमेटिक यहां पर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगेन आपको यहां पर आना है, यहां से आपको अपने दूसरे कीवर्ड को कॉपी करना है। अब आपको जाना है गूगल बार्ड के ऊपर एंड यहां पर आपको टाइप कर देना है राइट 1000 वर्ड्स ऑन एंड अगेन आपको यहां पर अपने कीवर्ड को पेस्ट करना है, देन एंटर इसके ऊपर क्लिक कर देना। इसी प्रकार से अगेन आपको यहां पर अपने नेक्स्ट कीवर्ड को कॉपी करना है। इसके बाद आपको यहां पर अपने तीसरे टूल के ऊपर जाना है, यहां पर आपको अपने कीवर्ड को कॉपी एंड पेस्ट करना है। स्टाइल के अंदर आपको यहां पर कन्वर्सेशन को सेलेक्ट करना है, आर्टिकल लेंथ को आप यहां पर 2 पर रखना है, देन क्रिएट आर्टिकल इसके ऊपर क्लिक कर देना। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर अपने टूल्स के माध्यम से अपने आर्टिकल्स को क्रिएट करना स्टार्ट कर देना। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर अपने 30+ आर्टिकल क्रिएट कर लें, उसके बाद आपको अपने आर्टिकल को या तो ब्लॉगर के ऊपर शेयर करना है, नहीं तो आप वर्डप्रेस के ऊपर भी अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं एंड वहां पर आप अपने आर्टिकल को शेयर कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर ब्लॉगर के ऊपर अपनी एक डेमो वेबसाइट क्रिएट कर रखा है, तो यहाँ पर मैं आपको पोस्ट शेयर करके दिखा। दोस्तों पोस्ट का एसईओ करना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अपनी पोस्ट का एसईओ नहीं करते हैं तो आपकी पोस्ट कभी भी गूगल के ऊपर रैंक नहीं करती है और ना ही आपको ट्रैफिक मिलता है। तो पोस्ट का एसईओ करने के लिए सिंपली आपको यहां पर आना है न्यू पोस्ट, इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू इंटरफेस आएगा। अब आपको यहां पर अपनी पोस्ट को शेयर कर देना है। तो पहला ऑप्शन आपको यहां पर मिलता है टाइटल का, तो सिंपली हम यहां पर जाते हैं, यहां से हम अपने टाइटल को कॉपी कर लेते हैं एंड कॉपी करने के बाद सिंपली इसको हम यहां पर पेस्ट कर देते हैं एंड इसके बीच में आपको यहां पर डैश नजर आ रहा होगा, तो सिंपली हम यहां से डैश को रिमूव कर देते हैं। इसी प्रकार से आपको यहां पर अच्छे से अपनी पोस्ट के टाइटल को ऑप्टिमाइज कर लेना है। इतना काम करने के बाद आपको यहां पर आना है, अगेन आपको अपने एआई टूल को पहुंचाना है, यहां से आपको अपने कंप्लीट आर्टिकल को कॉपी कर लेना है एंड कॉपी करने के बाद आपको यहां पर आना है एंड यहाँ पर आपको अपने आर्टिकल को कॉपी एंड पेस्ट करना है। एंड दोस्तों एसईओ का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कीवर्ड प्लेसमेंट। आपका कीवर्ड पहले पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ में होना चाहिए।
अगर आपका मेन कीवर्ड आपके पहले पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ में होता है तो आपकी पोस्ट के रैंक होने के चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं। एंड हमारा मेन कीवर्ड यहाँ पर है वन मिन डर्टी लेजी कीटो कुकिंग रेसिपी। अब हम यहाँ पर यह चेक करते हैं क्या हमारे ए आई टूल ने हमारे कीवर्ड को यहाँ पर ऑप्टिमाइज किया है। तो यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे पहले पैराग्राफ के अंदर हमारा मेन कीवर्ड आता है। अब हमें यहाँ पर यह देखना है क्या हमारा मेन कीवर्ड हमारे लास्ट पैराग्राफ के अंदर आता है। तो गाइज यहाँ पर भी साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे लास्ट पैराग्राफ के अंदर भी हमारा मेन कीवर्ड आता है। मीन्स ये वाला ए आई टूल हमारे कीवर्ड को ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज कर देता है। तो आपको यहाँ पर किसी प्रकार का चेंज नहीं करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने कीवर्ड के अकॉर्डिंग एक इमेज को क्रिएट करना है जिसको आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। एंड इमेज के अंदर ही आपको यहाँ पर अपने मेन कीवर्ड को भी ऑप्टिमाइज कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, यहां से आपको 3 लाइन को कॉपी कर लेना है। एंड कॉपी करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर आना है एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको यहाँ पर अपनी 3 लाइन को पेस्ट कर देना है। इतना काम करने के बाद आपको लेबल के अंदर आना है एंड यहाँ पर आपको टाइप कर देना है कीटो, और यहाँ से इस प्रकार से लेबल क्रिएट हो जाएगा। एंड परमालिंक के अंदर भी आपका मेन कीवर्ड आना चाहिए, तो जो हमने यहाँ पर अपना मेन कीवर्ड बनाया है उसको हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपनी पोस्ट को भी अच्छे से एसईओ फ्रेंडली बना देना। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर आना है, यहाँ से आपको अपनी पोस्ट को पब्लिश कर देना है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर अपनी पोस्ट को पब्लिश करना स्टार्ट कर देना है। एंड गाइज मैं आपको यहाँ पर गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप मेरे द्वारा मेथड को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पर 30 से लेकर 40 मिनट के अंदर अपने कीवर्ड रिसर्च भी कर लेंगे, साथ में आप यहाँ पर अपनी पोस्ट को भी बना लेंगे। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर अपनी पोस्ट को कॉपी एंड पेस्ट करना है। अगर आप सारे प्रोसेस को यहाँ पर अच्छे से फॉलो करते हैं तो विद इन 1 आवर आप यहाँ पर अपनी 30 पोस्ट को क्रिएट कर पाएंगे जिसको आप अपनी मैकोनिस ब्लॉग के अंदर पब्लिश कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर छोटे छोटे कीवर्ड्स को रिसर्च करना है, यहाँ पर आपको लो डीपी की वेबसाइट को फाइंड करना है, उनसे आपको कंटेंट्स के आइडिया को निकालना है और आपको यहाँ पर अपनी मैकोनिस वेबसाइट को बना लेना है। अगर आप इसी टाइप से यहाँ पर अपनी मैकोनिस वेबसाइट को बनाएंगे तो डेफिनेटली आपकी मैकोनिस वेबसाइट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी और आपकी मैकोनिस वेबसाइट यहाँ पर गूगल के ऊपर रैंक भी होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपकी एक भी मैकोनिस वेबसाइट गूगल के ऊपर रैंक हो जाती है तो उसके माध्यम से आपको यहाँ पर ट्राफिक मिल जाता है। एक इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताया, मैंने आपको यहाँ पर यह नहीं बताया कि आपको यहाँ पर अपने एफर्ट लिंक्स को कैसे लगाना है। तो गाइस एफर्ट लिंक्स को लगाने के यहाँ पर 2 तरीके आते हैं। तो पहला तरीका तो ये आता है कि आप अपने मेन कीवर्ड के ऊपर अपने एफर्ट लिंक्स को लगा सकते हैं। जैसे कि हमारा मेन कीवर्ड यहाँ पर क्या है, कीटोजेनिक डाइट, तो हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर हम लिंक्स के ऊपर जाएंगे एंड यहाँ से हम अपने एफर्ट लिंक्स को लगाते हैं। और एफर्ट लिंक्स को फाइंड करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक बैंक या फिर Registro24 का यूज कर सकते हैं। सिंपली आपको क्लिक बैंक या Registro24 के ऊपर जाना है, अकाउंट क्रिएट करना है और वहां से आपको अपने एफर्ट लिंक कॉपी करना है जिसको आप यहाँ पेस्ट कर देना है। नहीं तो आप यहाँ पर बीच बीच के अंदर अपने कॉल टू एक्शन को दे सकते हैं जहां पर भी आप अपने एफर्ट लिंक्स को लगा सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर अपनी छोटी छोटी मैकोनिस वेबसाइट क्रिएट करना है। अब जितनी ज्यादा मैकोनिस वेबसाइट यहाँ पर क्रिएट करेंगे उतने ही आपके यहाँ पर मनी मेक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आई होप आपको आज की वीडियो काफी ज्यादा वैल्यूबल लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो वैल्यूबल लगी है तो प्लीज चैनल को शेयर व सब्सक्राइब करें और कम से कम इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक्स लेकर ताकि इसी टाइप की चैलेंजिंग वीडियो हम आपके साथ शेयर कर पाए।